हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू योर चैनल, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी गाइड। लोगों ने देख ही लिए हो दोस्तों, ये आज होने वाली है और एक प्रोडक्ट की रिव्यू आप मेरे हाथ में देख सकते हो। ये है लोरियल पेरिस की इनोवेशन रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल डीप प्यूरिफाइंग क्लींजिंग जेल। ऑयल फ्री है, ये रिड्यूस करती है इम्परफेक्शंस को 95% तक, फॉर क्रिस्टल क्लियर स्किन प्रोवाइड करती है। 2.0% इसमें सैलिसिलिक एसिड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ दोस्तों। और मैंने नायका से कुछ लोरियल पैलेस की कुछ एक शीट मार्क्स खरीदी थी, तो उसके साथ मुझे ये फ्री गिफ्ट के तौर पे मिला है। के विषय में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं दोस्तों। और ये जो क्लींजिंग जेल है, ये 99% ऑफ यूजर्स एग्री करते हैं कि ये डीपली क्लींस करती है एंड इफेक्टिवली रिमूव करती है इम्प्यूरिटीज़ को और एक्सेस ऑयल को भी अच्छी तरीके से रिमूव करती है और आपको क्लियर पोर्स देती है, रिड्यूसिंग एक्ने डे बाई डे, और रिवील करती है यूथफुल क्रिस्टल क्लियर स्किन। और ये इसके पीछे जो साइंस है, मतलब जो सैलिसिलिक एसिड है उसके पीछे जो साइंस है, ये जो डीपली पेनिट्रेट इनटू योर स्किन, मतलब आपके स्किन में डीप तक ये जाती है और ये प्रूफ करती है आपकी पोर्स को मिनिमाइज करने में, और रिफाइन करती है आपकी स्किन की टेक्सचर को, कंट्रोल करती है एक्सेस सीबम एंड मेकिंग इट आइडियल फॉर ऑयली रफ एंड एक्नेपोन स्किन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अप्लाई आपको इसको कैसे अप्लाई करनी है, आपकी जो भीगी हुई फेस है उसके ऊपर अप्लाई करनी है, और आपको अगर आँखों से इसको थोड़ा दूर ही रखें, और अगर इन केस कोई भी इरिटेशंस होती है सो प्लीज़ तुरंत ही जल्द से जल्द धो लें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कोई भी, तो बेस्टेस्ट पहले करके फिर इसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ डेली रेजिम मेंशंस किया है, डेली रूटीन शेयर किया है, मतलब नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हैं। तो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो क्रिस्टल माइसेलर वाटर, एंड सेकेंड पे क्रिस्टल क्लींजिंग जेल, और नंबर 3rd पे है क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, और नंबर 4 है क्रिस्टल जेल क्रीम, और 5 है क्रिस्टल मास्क। तो इसके अंदर की पैकेजिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, देख सकते हो एकदम क्रिस्टल क्लियर जेल बेस्ड है एकदम। तो चलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करके मुझे कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे पंपिंग दी गई हुई है, तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट नहीं होगी। अगर ये ख़त्म भी हो जाता है और ये पाइप काम भी नहीं करती है तो आप इसको ऐसे ओपन भी कर सकते हो। तो ये अच्छी सिस्टम है, मुझे पसंद होती है ऐसे सिस्टम पे यूज़ करने। और एक चीज़ मैं बता दूँ जो कि मुझे फ्री गिफ्ट के तौर पे मिला है, इसलिए मैं अच्छी बातें बोल रही हूँ, नहीं दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुकी हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ नहीं हुई। पर मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश्ड पूरे दिन रहती है। और हाँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करने से झिझक रहे हो पैसे ज़रूर कर सकते हो दोस्तों। और मुझे इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सूथिंग लगी, और इसकी जो टेक्सचर टोटली वाटरी बेस्ड है, मतलब आपको कि जब आप इसको हैंड पे लोगे ना तब आपको यकीन ही नहीं होगा कि मतलब ये क्या है, ये जेल है या वाटर है क्या है। पर ये टोटली वाटरी बेस्ड जेल है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई भी दिक्कत। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है लोरियल की ये वाली क्लींजिंग जेल, और क्लींस करती है आपकी स्किन को और पोर्स को मिनिमाइज होने में भी थोड़ा बहुत मदद करती है दोस्तों। ओवरऑल मिला के मुझे तो ये वाली क्लींजिंग जेल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आई होप कि आपको ये छोट वाली सी वीडियो पसंद आई हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, कीप वॉचिंग।